हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिताली। इफ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई मेक कंटेंट ऑन ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड फैशन। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय मोस्ट फेवरेट परफ्यूम्स। तो मैं काफी सालों से नहीं यूज कर रही हूँ, तो इट्स अ हाईली टाइम कि मैं से 2024 में भी यूज करूँ और आप लोगों को भी बताऊं। तो चलो फटाफट से पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। और उससे पहले, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो माय फर्स्ट फ्रेग्रेंस इज दिस काजो लास्ट किस। ये फ्रेग्रेंस मिस्ट है और यार ये इतना बढ़िया है, मतलब इसको तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी ना, तब भी आप ले लेना, क्योंकि लिटरली इसके फ्रेग्रेंस ना बहुत रिफ्रेशिंग है। इसमें जो कैरमिल का और फ्लोरल का, सैंडलवुड का, इतने सारे कॉम्बिनेशन है और इतनी बढ़िया इसकी फ्रेग्रेंस है ना, मैं क्या बताऊं आपको। ये मेरी सेकेंड परचेज है बॉटल, मतलब मैं लिटरली इसको 3 से 4 साल हो गए मुझे ये यूज करते हुए, एंड लाइक मतलब, और चल गई मेरी आराम से एक बॉटल, मेरी कम से कम 1.5 से 2 साल चली है, तो 2-3 साल हो गए मुझे यूज करते हुए। और मैंने अभी नेक्स्ट बॉटल मंगाई है और ये ऑलमोस्ट मैं यूज कर ही रही हूँ अभी डेली बेसिस पे, यहां तक मैं खत्म कर चुकी हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस लिटरली बहुत अच्छी है। इसका प्राइस मैं अगर बात करूं तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, ये मुझे कम मतलब सेल पे भी ना 300 के अंदर ही मिला। ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट ये आपको ना एक्सपेंसिव फील जरूर कराएगा। इसकी फ्रेग्रेंस लिटरली बहुत अच्छी है डेली बेसिस के लिए। अगर आप कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हो ना, तो आप ये आंख बंद करके ले लो, इतना बढ़िया है। सो मेरा दूसरा फेवरेट परफ्यूम है, दिस इज रेने ब्लूम EDP। 50 ml है इसका जो टोटल इसकी क्वांटिटी है। और इसकी पैकेजिंग की बात कर लूँ तो इसकी पैकेजिंग जो इसका बॉटल है वो ग्लास बॉटल है, और इसके अंदर पिंक कलर का परफ्यूम है। और ये काफी अच्छा परफ्यूम है, मतलब इसकी स्मेल लाइक मतलब वाव है। बात करूं इसके टॉप नोट की, तो इसका जो टॉप नोट है वो आमंड है, और इसका जो बेस नोट है वो वनीला एंड कोको है। तो इसका काफी यूनिक ब्लेंड है स्पाइसी और वुडी नोट्स का। तो आई हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट, कि काफी अच्छा है। और मैं काफी यू नो 50% बॉटल का यूज कर चुकी हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये ना आपका डेली बेसिस के साथ साथ ना, अगर आप कहीं गेट टुगेदर या कहीं और अच्छी जगह जा रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये अच्छे से लॉन्ग लास्ट कर जाता है up to 7 to 8 hours। और इसका इसके प्राइस की मैं बात कर लूँ तो समवेयर अराउंड ये 500 के अंडर आता है। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो अगर आप ऐसा कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हो, तो रेने ब्लूम का परफ्यूम आप ले सकते हो, काफी क्यूट बॉटल में आ जाता है, हाईली रिकमेंड करूंगी। सो माय नेक्स्ट बॉटल इज दिस प्लम का बॉडी लव इन वनीला वाइब्स वाला परफ्यूम। और यार ये इतना क्यूट और इतना मतलब इसकी परफ्यूम की जो खुशबू है ना, लाइक आप कपकेक जैसे हो जाओगे इसको लगाने के बाद, इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। और लिटरली यार ये छोटू सी बॉटल है, बट यार इसकी जो ये लॉन्ग स्टे करता है ना, मतलब मैंने ऑल्दो कुछ इसको यूज करने के बाद कुछ कपड़े धोए भी हैं, मतलब धोने के बाद भी ना उसमें कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो रहती है। तो मतलब इसकी जो लॉन्ग लास्ट वाली बात को तो मैं यही नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कुछ आर्ट्स में उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकती। ये काफी लॉन्ग स्टे कर जाता है आफ्टर वॉश भी। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। और ये आपको मतलब समवेयर अराउंड 400 से 500 के बीच में आपको ये पड़ेगा। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी लॉन्ग लास्ट कर जाती है, काफी वार्म रिच फ्रेग्रेंस है इसकी। तो और इसका कलर भी काफी क्यूट सा प्लम टाइप का कलर है इसका। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, अगर आप कोई यू नो का परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो आपको मतलब ना एकदम फ्लोरल हो जाओगे इसको लगा के, कपकेक या केक, मतलब इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत सही वाली। और जो इसका जो वनीला का जो इसका एसेंस है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई वनीला, किसी को वनीला बहुत पसंद है ना, वनीला फ्रेग्रेंस या वनीला एसेंस, तो वो ये परफ्यूम तो जरूर ले ले, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत वाव है। तो ये मेरी भी फेवरेट बॉटल है।